अनुपम खेर की फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से वो चर्चा में है। ये फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू की किताब पर आधारित है। फिल्म में अनुपम खेर मनमोहन सिंह का किरदार निभा रहे हैं तो वही अक्षय खन्ना संजय बारू के रोल में। ये फिल्म पूरी तरीके से राजनीतिक विवादों में घिरी हुई है। जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से फिल्म के रिलीज को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। कांग्रेस लगातार फिल्म का विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस फिल्म में सीधे तौर पर दिखाया गया है कि किस तरह से गांधी परिवार के दबाव में मनमोहन सिंह ने मजबूरी में कई फैसले लिए। गांधी परिवार ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री तो बना दिया लेकिन हमेशा से ही उन्हें दबाव में रखा गया। कांग्रेस के कई नेताओं का ये कहना है कि इस फिल्म में कांग्रेस पार्टी और उनके नेता पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की छवि को गलत तरीके से दिखाया गया है और ये सब कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस का कहना है कि फिल्म में नेहरू गांधी परिवार की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की है। पार्टी का ये भी मानना है कि मनमोहन सिंह एक ऐसे अर्थशास्त्री थे जिसका लोहा पूरा विश्व मानता था और उन्होंने 10 साल तक देश पर राज करके बढ़िया तरीके से सरकार चलाई है। ऐसे में उनका मजाक बनाते हुए इस तरह की फिल्म को रिलीज नहीं होने देना चाहिए। केंद्र सरकार को इस फिल्म पर रोक लगानी चाहिए और सिखों की भावनाएं भी इस फिल्म की वजह से आहत हो सकती है। कांग्रेस ने फिल्म के रिलीज टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस शासित राज्यों में इस फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की मांग कर रही है। इसके साथ ही फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर यूट्यूब से शिकायत करते हुए लिखा है कि उनकी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर यूट्यूब पर हाइड कर दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप यूट्यूब पर द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लिखेंगे तो आपको यूट्यूब पर उसका ट्रेलर दिखाई नहीं देगा। हाल ही में अनुपम खेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का जितना विरोध होगा उतनी ही फिल्म को पब्लिसिटी मिलेगी। फिल्म की कहानी जिस किताब पर आधारित है वो 2014 में आई थी, तब कोई विरोध क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा, हाल ही में राहुल गांधी जी का ट्वीट पड़ा था जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उन्होंने बोला था, इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अब फिल्म का विरोध कर रहे लोगों को डांटना चाहिए क्योंकि वो गलत है। फिल्म को लेकर एक और विवाद खड़ा हो गया है। इस फिल्म को लेकर मुजफ्फरपुर की कोर्ट में याचिकाकर्ता सुधीर ओझा ने मामला दर्ज कराया है जिसमें ये आरोप लगाया है कि इस फिल्म के जरिए पूर्व प्रधान मनमोहन सिंह को अपमानित किया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने अभिनेता अनुपम खेर, अक्षय खन्ना, फिल्म के निर्माता और निर्देशक समेत 14 लोगों पर केस दर्ज कराया है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। बहरहाल जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से जमकर कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि ये फिल्म 11 जनवरी को रिलीज होने वाली है।